हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट को क्लियर करने के लिए लेके आई हूँ। जो भी आपका डाउट था सीट को लॉक अनलॉक करने से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपके कुछ और क्वेश्चंस को हम लेंगे इस वीडियो में, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक पे नहीं होती, बल्कि उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि किसी भी वीडियो में आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट को, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसको लॉक या अनलॉक करने से रिलेटेड, जो भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न इकट्ठा हो गई है सब बच्चों के बीच में उससे रिलेटेड। तो मैंने कल पोस्ट डाला था, मैंने पूछा था उन स्टूडेंट से जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रेफरेंस को लॉक किया था या अनलॉक किया था। इसके साथ ही कुछ बच्चे जो जिन्होंने डाइट में कॉल करके पता किया टीचर से कि मैम क्या करना है, इसमें क्या करेंगे हम, लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे या क्या कोई प्रॉब्लम होगी प्रेफरेंस में फर्स्ट सेकेंड राउंड में आने से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आंसर यही मिला, टीचर्स ने यही बोला कि आपके लॉक अनलॉक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही पोस्ट का जो आंसर दिया बच्चों ने, उसमें कुछ बच्चों ने ये कहा कि मैम हमने लॉक किया था और हमारे को एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके साथ जिन बच्चों ने अनलॉक किया था उन्होंने बोला कि हमने अनलॉक किया था और हमें कोई एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पिछली बार कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लॉक कर दिया था और उनका सेकेंड थर्ड राउंड में नंबर नहीं आया था। ठीक है, इसके साथ ही एक स्टूडेंट जो SCERT गई थी उन्होंने बताया कि जिन बच्चों ने पिछली बार अपनी सीट लॉक कर दी थी, अब वो काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होगा पिछले के अकॉर्डिंग, कि सीट आपकी जो प्रेफरेंस आपकी लॉक हो गई थी उससे रिलेटेड, तो अब आपका जो फॉर्म होगा काउंसलिंग का वो नए सिरे से होगा जिसमें कि आपको सीट लॉक अनलॉक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन्होंने यही बोला कि मैम अनलॉक करना है सीट को। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है थोड़ा कन्फ्यूज़न, क्योंकि कुछ कह रहे हैं लॉक करना है, कुछ कह रहे हैं अनलॉक करना है। तो फिर SCERT ने ये डिसाइड किया है कि आपको उसमें क्या चीज़ करनी है। ठीक है, तो अगर आपने लॉक कर दिया है तो आप एक बार जाके SCERT पता कर लो कि फ़ाइनल क्या करना है। आज 1 तारीख है, ठीक है, आपके पास अभी हैं 3-4 दिन, तो आप ये चीज़ पता करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ, अब इतने भी आप जल्दी मत मचाओ कि मेरे को आज ही फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म आपके बाद तक भरे जा रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा लो। फॉर्म भरने के बाद, गलत भरने के बाद फिर उसकी टेंशन लेने से अच्छा है कि आप अभी रुक जाओ, पहले SCERT से पता कर लो। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट SCERT गया भी था, कल गया था या फिर आज जाएगा, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाके यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि सब बच्चों को वहाँ जाना ना पड़े, जो जा रहे हैं वही जाके इन्फॉर्मेशन ले आए। ठीक है, तो अभी जिसने लॉक कर रखा है और जिसने अनलॉक कर रखा है वो उसे वैसे ही रहने दो, और जो स्टूडेंट जाएगा वो ये भी पता करके लाना कि जिसने लॉक या अनलॉक कर रखा है उससे उसको कोई प्रॉब्लम होगी प्रेफरेंस से रिलेटेड। ठीक है, और अगर होगी प्रॉब्लम तो कैसे लॉक को अनलॉक करें या फिर अनलॉक को लॉक करें, ये भी पूछ के आना। ठीक है, बस इतना ही है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या इसमें डालोगे। SCERT से पहले कंफर्म करो, उसके बाद ही भरना, क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस इस बार ऑनलाइन कर रखा है तो थोड़ी देर दिक्कत आ रही है इसको लेकर। ठीक है, सेकेंड डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स का, वो ये था कि पेपर का मीडियम आप कैसे चूज़ करोगे, जो भी आपको 1 साल में पेपर देने होंगे डाइट के, जिनका एडमिशन हो गया वो स्टूडेंट, तो उसके लिए टीचर्स आपसे पहले पूछेंगे, आपसे कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको भरना होगा कि आपका मीडियम कौन सा है, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे सिलेक्ट कर देना, या फिर अभी जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो भी आप टीचर्स से, जब भी कॉन्टैक्ट होता है आपका टीचर से, तब आप उनसे बात करके पूछ सकते हो कि मैम हमें मीडियम चूज़ करने का ऑप्शन कब दिया जाएगा। ठीक है, और अभी आप आराम से अपना जो भी मीडियम है उस मीडियम में पढ़ाई करो। नेक्स्ट आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन था कि मैथ साइंस की जो भी पढ़ाई होती है वो किस लेवल तक की होगी, क्या वो डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है, उसके बारे में। ठीक है, देखो, तो जो भी आप पढ़ोगे डाइट के अंदर मैथ्स, सबसे पहले तो आपको मैथ नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है कि मैथ आप कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो जो भी आपको पढ़ना है डाइट में उसमें होगा 1 टू
लेकर फर्स्ट ईयर में 1 to 5 की मैथ्स आपको करनी होगी, ठीक है, और थोड़ी सी 8 तक भी चली जा सकती है, और सेकेंड ईयर में तो 1 to 8 तक की मैथ्स होगी सेकेंड ईयर में मेनली, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं होते, जैसे फ्रैक्शन हो गया, प्लस माइनस डिवाइड, इनके रूल्स, उसके बाद और भी चीज़ें जो मैथ्स में होती हैं, एरिया, पैरीमीटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी आपकी, और जो कॉमन है 1 to 8 तक सब बच्चों को ये आती ही है, ठीक है, आपको भी इतना तो कॉमन आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, वो भी जो होगी वो भी 1 to 8 तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लेवल की ही होती है, ठीक है। पहले आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको EVS की बुक पढ़नी होगी जो कि 1 to 5 के स्टूडेंट की है, और उसी से आपका CTET में भी आएगा। तो आप CTET के लिए अभी से तैयारी अगर करना चाहते हो तो 1 to 5 की जो EVS की बुक है, EVS की, उसको आप अच्छे से पढ़ लो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, ठीक है। तो ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की तो मेनली है, इसमें से ही आता है पूरा EVS का जो भी पोर्शन है वो इसमें से आता है, 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इसी में से आएंगे, ठीक है। बाकी 15 तो आपकी पैडागोजी से होगा, जो आप डाइट पर भी क्लासेस लगेंगी तो आपको वो समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ानी होती है साइंस को, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी जो आप आओगे तो 6 to 8 तक की वहाँ पर साइंस हो जाएगी, और वो भी ईजी टॉपिक होते हैं, लाइट हो गया, मोशन हो गया, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो अभी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ट्यूशन दोगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब स्कूल पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पे आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था एडिट से रिलेटेड, कि क्या हम अपने जो भी काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं उसमें हम एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है येस, आप कर सकते हैं, ऑप्शन तो शो हो रहा है फॉर्म के अंदर कि आप एडिट कर सकते हैं। तो जिस भी पार्ट में आपने गलती की है अपनी मार्क्स से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप जाके उसको एडिट कर लो, डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर कोई नेम की स्पेलिंग हो गई, उसको जाके आप एडिट कर देना, ठीक है। आपके जब काउंसलिंग का फॉर्म खोलोगे तो उसमें साइड में ऑप्शन दिखेगा एडिट से रिलेटेड, उसको क्लिक करना, वहाँ से एडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो क्वेश्चन है कि प्रेफरेंस कब दिखाई देगी, कब शो होगी आपको। तो जब आप फॉर्म भरोगे काउंसलिंग का, तो फीस सबमिट करने के बाद जब आप 1,000 रुपये की फ़ीस सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद तुरंत बाद आपको जो है प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको कौन से डाइट में एडमिशन लेना है, कौन कौन से नंबर पे, ठीक है। तो उसमें जितने भी 35 के आसपास टोटल डाइट हैं अगर, तो आपको वो 35 के 35 उस प्रेफरेंस लिस्ट में डालने होंगे, ठीक है, एक भी डाइट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि कौन से डाइट में कितनी सीट है। तो उस हिसाब से आप सारे डाइट भर देना, जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे कितनी सीट है, तो हमें सारा भरना ही बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके 6, जो आपका क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है कि अगर आपका पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, कि अगर आपका पहले नंबर आया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में आया था पहले डाइट में नंबर, और आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था, आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे, उसमें कुछ एरर था जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन है उस टाइम कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, और वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्या हम दोबारा से अब अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट अगर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती थी तो आपको पहले उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अगर आपका मार्कशीट में कोई गलती है तो आपको CBSE जाके उस गलती को ठीक करानी होगी, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना, क्योंकि अगर आप ऐसे दोबारा से फॉर्म भर दोगे फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो एरर निकल जाएगा और फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप अपना उस एरर को करेक्ट करो, उसके बाद ही काउंसलिंग में पार्ट लो, ठीक है, वरना आपके जो 1,000 रुपये हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप पहले उसको करेक्ट करा लो, करेक्शन करा लो उसका, ठीक है। बस यही कुछ बातें थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, और जो मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे आता है मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ, तो इसका आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।